How are you all? Hope you all are fine at your home. Today we start our next video class and today's date is 21st of October 2020 and the day is Wednesday. Wednesday is the third day of the week. Do you know the spelling of Wednesday? Okay, spell with me. WEDNESDAY. वेंसडे वेंसडे हफ्ते का तीसरा दिन होता है. स्टूडेंट मूव ऑन आवर वीडियो क्लास एंड आवर सब्जेक्ट इज इंटेलिजेंट मैथ. सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट प्लीज टेक आउट योर मैथ बुक एंड ऑल्सो टेक आउट पेज नंबर 15 एंड टुडे टॉपिक इज टू डिजिट नंबर्स. यानी यहाँ पे आपको नंबर्स दिए गए हैं और उनका नेम दिया गया है. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता दे रही हूँ. वन का है ONE, टू का है TWO, वैसे ही थ्री है, फोर का FOUR4. यानी हर नंबर का नंबर नेम दिया गया है. ये आपको पूरा 100 तक दिया गया है. यानी आपको 1 से लेकर 100 तक रीड करना है. यानी ये आपका क्लास वर्क हो गया, नंबर्स नेम को रीड करना है 1 से लेके 100 तक. जैसे 63 का SIXTYTHROEE 63, 87 का EIGSTYSEVN 87, ऐसे ही आपको 100 तक रीड करना है. अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, काउंटिंग इन टेंस. यानी यहाँ पे जैसे 110 इज इक्वल टू 10, 210 इज इक्वल टू 20 एंड 310 इज इक्वल टू 30. यानी यहाँ पे एक बॉल का पिक्चर दिया, जैसे कि वहाँ पे 110 इज इक्वल टू 10, 210 इज इक्वल टू 20, 310 इज इक्वल टू 30. जैसे यहाँ पे बीट्स का पिक्चर दिया गया है. अगर हम इसे काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. यानी टोटल हमारा बीट्स है 10. ऐसे ही नेक्स्ट को अगर हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. यानी टोटल बीट्स है 20. वैसे ही यहाँ पे भी 3 tens. यानी यहाँ पे 1 groups of 10 है तो यहाँ हो गया 10. यहाँ पे 2 groups of 10 है तो यहाँ पे टोटल हो गया 20. यहाँ 3 groups of beats हैं तो यहाँ टोटल हो गया 30. यहाँ 4 groups of 10s हैं तो टोटल हो गया हमारा 40. 5 groups of beats हैं तो टोटल हो गया हमारा 50. 6 groups of beats हैं तो टोटल हो गया हमारा 60. यानी अगर हम बीट्स को काउंट करेंगे तो टोटल हमारा 60 आएगा. जैसे इस पिक्चर में भी 7 groups of beats है तो टोटल हमारा हो गया 70. 8 groups of beats है तो टोटल हुआ हमारा 80. 9 groups of beats है तो टोटल हो गया हमारा 90. और 10 groups of beats है तो टोटल हुआ हमारा 100. इसको समझना है, आप इसे समझ लीजिएगा. नेक्स्ट आते हैं हमारे टॉपिक पे, राइट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100. यानी आपको 1 से लेकर हर बॉक्स में 1, 2, जैसे मैं एग्जांपल में बता दे रही हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वैसे ही आपको 11 से लेकर 20 तक और 21, 22, 23 तक पूरा 100 तक यहाँ तक कंप्लीट करना है. यहाँ ये आपका HW है तो सबसे पहले यहाँ HW देंगे. आज का डेट दे दीजिए. नेक्स्ट है काउंट फॉरवर्ड एंड फिल इन. यानी आपको आगे की ओर लिखना है ये जो ब्लैंक बॉक्स है. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया 50, 51, 52. यानी 52 के फॉरवर्ड आगे की ओर क्या कौन सा नंबर आएगा, तो 53, 54, 55. बस ये पूरा आपको फिल करना है. 70, 72 पूरा फिल करना है. जो भी नंबर है 20, 21, 22, 23 पूरा फिल करना है. ये आपका HW है. नेक्स्ट पेज पे आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है, राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स. यानी आपको मैं पहले ही यहाँ पे बता चुकी हूँ
नंबर नेम्स दिया गया है, हर नंबर का एक नेम है, तो नंबर्स नेम बिल्कुल सामने सामने है, तो आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप इसको अच्छे से रीड करिएगा तो आपको खुद सब समझ में आ जाएगा और आप इस वर्क को आसानी से कंप्लीट कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं 24 है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे 24 TWENTYFOUR4 साफ है, तो हम यहाँ पे बस आप अच्छे से रीड कीजिए और इसको रीड करके फिर इस असाइनमेंट को कंप्लीट कीजिए साफ अच्छे से पूरा यहाँ तक। नेक्स्ट, माला यूजेस 10 फ्लावर्स टू मेक 1 गार्लैंड, यानी मुझे हमें देखना है कि यहाँ पे 4 गार्लैंड दिया गया, जिसमें काउंट अगर हम करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी ये 4 गार्लैंड में जितने भी फूल फ्लावर्स हैं उनको काउंट करके आपको यहाँ पे नंबर फिल कर देना है। जितना भी नंबर आएगा आपको यहाँ डाल देना है, यानी आपको पहले ये 4 फ्लावर्स काउंट करने हैं कितने हैं। तो अगर पूरा काउंट करेंगे तो जितना भी आएगा यानी 40 आ रहा है, तो यहाँ पे 40 में से अगर हम 4 फ्लावर हटा दे रहे हैं, यानी यहाँ पे साफ लिखा है 4 फ्लावर्स लेफ्ट, यानी 40 फ्लावर्स हैं, 40 में से मैं 4 हटा दे रही, तो जो भी हमारा आंसर आएगा हमें यहाँ पर फिल कर देना है। तो आपको यहाँ तक 21 तारीख का HW असाइनमेंट यहाँ तक करना है, ये आपको कॉपी में भी करना है। तो 21 का असाइनमेंट यहाँ तक, अब आपको कॉपी वर्क बताती हूँ कि आपको कॉपी में क्या करना है। सबसे पहले आज का डेट डाल दीजिए, HW डालिए, अपना सब्जेक्ट नेम डालिए, कॉपी में आपको करना है। जैसे अगर आप कॉपी में कैसे उतरना है, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर डालिए, फिर जो टॉपिक है यहाँ पे एक्सरसाइज ज़रूर डालिए, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर जैसे जैसे आता जाएगा, यानी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट द नंबर्स From 1 to 100, ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 1 बनाना है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन डाल देना है, क्वेश्चन 3, ऐसे ही असाइनमेंट आपको साफ और अच्छे राइटिंग में कंप्लीट करना है, कॉपी में भी और बुक में भी अच्छे से। यानी कॉपी में भी आपको यहाँ तक पूरा उसे क्वेश्चन नंबर उतार के कंप्लीट करना है। तो ये हो गया आपका आज का असाइनमेंट, मिलते हैं अगले असाइनमेंट अगले वीडियो क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे।